भारत की आज़ादी को 7 दशक हो चुके हैं और देश ने अनेक क्षेत्रों में आश्चर्यजनक प्रगति की है, लेकिन आज भी कुछ स्थान ऐसे हैं जो विकास की धारा से अछूते रह गए हैं। बिहार के जमुई जिले के खैरा प्रखंड का एक गांव इस स्थिति की ज्वलंत मिसाल है। यह गांव 7 दशकों से एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है, जहां लोग साल के 6 महीने अपने ही गांव में कैद होकर रह जाते हैं। इस गांव के लोग जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। यह गांव एक नदी के किनारे स्थित है जो बरसात के मौसम में उफान पर रहती है। नदी के तेज बहाव के चलते गांव के लोग अपने गांव में ही कैद हो जाते हैं। गांव को जोड़ने वाली कोई सड़क नहीं है और नदी पार करना ही एकमात्र विकल्प होता है। बरसात के दौरान नदी का पानी इतनी अधिक हो जाता है कि लोग अपनी जान हथेली पर रखकर इस पार से उस पार जाते हैं। नदी के बहाव के कारण बच्चों को स्कूल जाने में भी खासी मुश्किलें होती हैं। हाल ही में एक बच्चा और उसकी मां नदी पार करते समय तेज धार में बह गए थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें किसी तरह बचाया। स्कूल जाने के लिए बच्चों को अपने जीवन की परवाह किए बिना नदी पार करनी पड़ती है। इसी तरह यदि किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो उसे चारपाई पर उठाकर अस्पताल ले जाया जाता है। हम लोगों का सबसे बड़ा परेशानी है कि अपर क्यूल नदी है, ये क्यूल नदी। हमारे जितना छोटे बच्चे हैं वो तो पढ़ने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता है। अभी तो थोड़ा सा पानी कम है, इसलिए नहीं तो सबको गोदी में कर करके पार करना पड़ता है। महिलाएं लोग को बहुत असुविधा होता है। बीमार होने का समय जो है बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। प्रसव के टाइम बहुत परेशानी झेलना पड़ता है और नाना प्रकार का समस्या होता है। हम लोग बहुत दुखी है इस नदी से, बहुत परेशान। गाँव के लोगों ने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को इस समस्या के बारे में जानकारी दी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। गांव में करीब 500 घर हैं और लगभग 3000 लोग साल के 6 महीने एक टापू पर कैद होकर रहते हैं। इन लोगों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन प्रशासन की उदासीनता के कारण उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। पार करने के लिए तो माँ और बेटी कुछ दूर तक ले बह के चल गया, तब कुछ आदमी आया दौड़ के छेक के पकड़ लिया, तब पार हुआ। ये 2 दिन के पहले बाढ़ था, हम लोग तो बच्चा रहता है, बाप माँ आते हैं पार करने के लिए, तब बच्चा पार होता है। कॉपी भीग जाता है, बैग भीग जाता है, कपड़ा भी मिलता है, सूखने में बहुत दिक्कत होता है। वही मुश्किल है हम लोग का, जब कितना आदमी आ रहा है कि पुल देंगे, पुल कितना कर रहे हैं हम लोग तो होबे नहीं कर रहा है। इस गांव की कहानी हमारे सामने यह सवाल खड़ा करती है कि क्या हम आज भी विकास की असली तस्वीर देख रहे हैं, या फिर कहीं न कहीं हम उस तस्वीर को अनदेखा कर रहे हैं। यह स्थिति समाज के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। लोकल 18 के लिए जमुई से गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।